स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर और भी काफी सारे डिपार्टमेंट, काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। पे स्केल बहुत अच्छा रहेगा। इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ ये वैकेंसीज मिलेंगी, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। बताने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए, कौन कौन सी डेजिग्नेशन से ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, आज इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी अलग अलग डेजिग्नेशन की। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा, ये नोटिफिकेशन 15/3/2023 को आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। बोकारो स्टील प्लांट में ये वैकेंसीज है और ये झारखंड इंडिया में है बोकारो स्टील प्लांट। अब इनमें कौन कौन सी वैकेंसी है, कंसल्टेंट में वैकेंसी है, स्पेशलिटी अलग अलग इसमें डिफाइन कर रखी है, रेडियोलॉजी या क्रिटिकल केयर, जनरल मेडिसिन, एनेस्थेसिया। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, पोस्ट दे रखी है, जनरल एससी एसटी में डिवाइड कर रखी है। जैसे कि पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की 8 वैकेंसी हैं, ऐसे ही कंसल्टेंट की जो वैकेंसी हैं वो टोटल जो वैकेंसी हैं एक एक है हर स्पेशलाइजेशन में। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 3 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट मैनेजर की 4 वैकेंसी हैं और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की टोटल जो वैकेंसी हैं इन्होंने इसमें 15-16 मतलब अलग अलग ये डेजिग्नेशन पे अलग अलग वैकेंसी, मैकेनिकल में 15, मैकेनिकल में 16। अब अलग अलग यूनिट्स भी हैं इसके अंदर, तो इसमें पूरे टेबल में आप देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। जो आपकी कैटेगरी हो, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। माइनिंग फॉरमैन की भी वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, माइनिंग मेट की वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी है। अब एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। अब मैं एक एलिजिबिलिटी आपको बताता हूँ, बाकी आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मेरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंसल्टेंट की साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए और पीजी होने चाहिए, डीएनबी रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मतलब पीजी आपके पास होने चाहिए, डीएनबी होने चाहिए, रेलिवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए, मिनिमम 3 ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कंसल्टेंट का, रेलिवेंट डिसिप्लिन आफ्टर पीजी, मतलब आफ्टर पीजी के बाद डीएनबी के बाद में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी देख सकते हैं, 30 साल मैक्सिमम एज, बीटेक चाहिए, बीटी चाहिए, फुल टाइम ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अगर आप कहो तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% मार्क्स इसमें चाहिए और 55% आपके एससी एसटी के इसके एलिजिबल हैं। अब नीचे चलते हैं हम। अब ये देखिए काफ़ी सारी इसमें डेजिग्नेशंस दे रखी हैं, अलग अलग डिफाइन कर रखा है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा कितना परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, क्या एज रहनी होनी चाहिए। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं अपनी जो क्वालिफिकेशन आपकी है, जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ग्रेड, अब इसमें आपकी हाइट वगैरह दे रखी है, क्या क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या चेस्ट मेजरमेंट होने चाहिए, वो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रेड। अब मैं डायरेक्ट आपको सिलेक्शन प्रोसीडियर पर लेकर जा रहा हूँ कंसल्टेंट की। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेसिक ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अगर कंसल्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सबसे मेन चीज़ देखी जाएगी वो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद 50% जो है इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और बाकी मेरिट लिस्ट में भी काउंट किया जाएगा। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, हर डेजिग्नेशन का अलग अलग पैरामीटर्स है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ। फीस अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी में फॉल करते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 700 रुपये देने पड़े होंगे, पोस्ट ग्रेड S3 के 500 रुपये, पोस्ट ग्रेड S1 के 300 रुपये, SC ST PWD डिपार्टमेंट ESM कैंडिडेट है तो 200 रुपये आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट के पे करने होंगे ऑनलाइन, 150 रुपये फॉर ग्रेड S3 और 100 रुपये फॉर ग्रेड S1। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है भाई, तो सिंपल सा इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, लिंक के थ्रू मेरी जा सकते हैं, मैंने लिंक दे रखी है इसकी, और वहाँ से जाके जो MS
इसकी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो ऑनलाइन पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो इसके अलावा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, देखिए प्रोफेशनल नॉलेज मेडिकल ऑफिसर की टेस्ट, MBBS लॉजिकल रीजनिंग, मेडिकल ऑफिसर की लॉजिक, ये पूरा टेस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कोई आपका सवाल हो मैं सैलरी और ज़रूर बता दूंगा आपको, सैलरी का भी इसमें कॉलम दे रखा है। कंसल्टेंट की जो सैलरी बेसिक स्केल ऑफ पे रहेगा 80,000 से 2,20,000 रुपये तक इसमें रहेगा पर मंथ का, इस पे स्केल के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।